हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ। फर्स्ट वन इज मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड द नेक्स्ट वन इज यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो ये टू टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज द रियल ब्रेन बिहाइंड ऑल द प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस। कंप्यूटर सिस्टम में जो वो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो किसकी वजह से पॉसिबल? बिकॉज ऑफ सीपीयू। मतलब सारी प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू ही रिस्पॉन्सिबल है, तो हम इसको इसलिए क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर मेड अवेलेबल टू सीपीयू एंड सीपीयू प्रोसेस द प्रोवाइडेड डेटा विद द गिवन इंस्ट्रक्शन। प्रोसेसिंग के लिए इंस्ट्रक्शन एंड डेटा ये हमें सीपीयू को अवेलेबल कराना होगा। एंड सीपीयू प्रोसेस फिर क्या करता है? सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा जो भी हमने उसको डेटा प्रोवाइड किया होगा और जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर हमें टू नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 7 एंड 9, द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा लाइक। तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे और डेटा प्रोवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मल्टीप्लाई 7 एंड 9। ए इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 9। नाउ यूजिंग द इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई, अब वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन को यूज करेगा। सीपीयू प्रोसेसेस द गिवन डेटा 7 एंड 9, वो उसमें प्रोसेसिंग करेगा 7 और 9 नंबर्स में एंड प्रोवाइड्स द फाइनल रिजल्ट व्हिच इज 63। और हमें फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा जो क्या है? 63। हेयर कम्स, ये सब काम होने के बाद अब रोल आएगा मेमोरी का। हेयर कम्स द रोल ऑफ मेमोरी। सीपीयू नीड्स to have some place where it can hold instructions and data during processing. अब CPU को कुछ place की जरूरत होगी उन instructions और data को hold करने के लिए during processing, मतलब जब इसमें processing हो रही होगी। And once processing is over, जब processing over हो जाएगी, it needs a place where it can store the result परमानेंटली। फिर उस प्रोसेसिंग के बाद उसको जरूरत होगी उस रिजल्ट को परमानेंटली स्टोर कराने की। ओके, Thus, there are broadly two types of memories in a computer system. Computer system में two types की memories है। First one is main memory और प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। अब ये मेमोरी क्या काम करती है? द मेमोरी दैट होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, जब मल्टीप्लिकेशन हो रही थी टू नंबर्स की, वहां पर प्रोसेसिंग के टाइम पे डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने का काम जिसने किया था, इट इज टेम्पररी मेमोरी। सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। द मेमोरी दैट कैन स्टोर डेटा और फाइल्स फॉर लेटर यूज, जो कि डेटा और फाइल्स को लेटर यूज के लिए स्टोर करके रखते हैं, दैट इज परमानेंटली। नाउ यूनिट्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर्स स्टोर एंड प्रोसेस डेटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। कंप्यूटर्स जो डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, वो किस फॉर्म में करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। अब बाइनरी नंबर्स क्या है? बाइनरी नंबर इज ईदर 0 और 1। बाइनरी नंबर या तो 0 हो गए या फिर 1 होगा एंड इज नोन एज उसको बिट। उसको हम क्या बोलते हैं? बिट। इंटरनली कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू अ ग्रुप ऑफ बिट्स। जो कैरेक्टर्स होंगे वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे? थ्रू अ ग्रुप ऑफ बिट्स। वहां पर ग्रुप होगी बिट्स की, डिपेंडिंग अपॉन एनकोडिंग स्कीम बीइंग यूज्ड। किस पर डिपेंड करेगी कि कौन सी वाली एनकोडिंग स्कीम यूज हो रही है? उसके बेस पर कैरेक्टर्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ बिट्स में
रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब एनकोडिंग स्कीम क्या है? एनकोडिंग स्कीम इज अ वे ऑफ स्पेसिफाइंग बाइनरी कोड्स फॉर ईच कैरेक्टर। मतलब ये एक वे है जिसके थ्रू बाइनरी कोड्स बताए गए हैं फॉर ईच कैरेक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं एनकोडिंग स्कीम। फर्स्ट वन इज स्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर एज अ ग्रुप ऑफ 8 bits और अ बाइट। जो ये स्काई कोडिंग है, ये कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? एज अ ग्रुप ऑफ 8 bits और अ बाइट की फॉर्म में। यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर एज ग्रुप ऑफ 16 bits। ये रिप्रेजेंट करता है 16 bits, या फिर हम उसको बोल सकते हैं 2 bytes। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। अब ये हमारे पास है यूनिट्स। फर्स्ट है हमारी बिट, देन बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट और एक्साबाइट। ये सारी बाइट्स हैं कि जैसे हम सबसे पहले देखते हैं 1 bit, उसका शॉर्ट नेम भी बिट है, फुल फॉर्म उसको हम बोल सकते हैं बाइनरी डिजिट। फिर 8 bits जब कलेक्ट हो जाएंगी तो वो बन जाएगी 1 byte। ओके, फिर जब 1024 bytes होंगी तो उसको हम 1 kilobyte बोल सकते हैं। 1024 kilobytes को हम 1 megabyte बोल सकते हैं। 1024 MB इक्वल टू 1 gigabyte। 1024 GB इक्वल टू 1 terabyte। 1024 terabyte इक्वल टू 1 petabyte। 1024 petabyte इक्वल टू 1 exabyte। ये थी जो कंप्यूटर की मेमोरी मेजरमेंट्स यूनिट है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।